मालदीव्स का ट्रैजेडी है कि वो हिंदुस्तान के इतने पास हैं और खुदा से इतने दूर श्रीलंका यूज टू तो ब्लेम एवरीथिंग ऑन इंडिया नेपाल ब्लेम्स एवरीथिंग ऑन इंडिया भूटान स्टार्टेड ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन इंडिया बांग्लादेश यूज टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन इंडिया जैसे ही बांग्लादेश ओवर टू पाकिस्तान इंडिया में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है पाकिस्तान अब भिकारी देश बने जा रहा है जितना ज्यादा भिखारी बनेगा बट आई एम सरप्राइज दे देव बिन ब्लेमिंग अस अस मोर एक्चुअली ब्लेमिंग लेस एनी टाइम द प्राइम मिनिस्टर विजिट समथिंग कुछ ना कुछ नया टूरिज्म uh, आ सकता है uh, uh, थोड़ा मीडिया uh, अटेंशन आता है सब अच्छी बात है ना पार्ट्स ऑफ़ योर ओन कंट्री। नॉट नीडर इटालियन टू इज सच इंडस्ट्री हम डिवेलपीन्टकॉट मॉल so I mean, totally तीन लाख टूरिस्ट अगर वहाँ जाते हैं अगर एक टूरिस्ट ऑन एन एवरेज अगर लाख रुपए भी खर्च करता है mm. मालदीव्स के अंदर mm. जो कि

ए मम्मी मेरे को ना गांजा फूकना है गांजा मैंने फूक लिया अब चरस करना है अब मेरे को क्रिस्टल करना है मेथ करना है आ, ये करना है हाँ ये ले बेटा ये ले इंजेक्शन का पैसा और ये ले गांजा का पैसा चाइना इज़ दैट काइंड ऑफ अंग भूटान भी अभी बहुत ही क्या कर रहा है भूटान का जो राजा का जो एंसेस्टर लैंड है उस पे चाइना ने कब्जा करके बैठा है उसके खानदान के एंसेस्टर लैंड में आपको पता है क्या हुआ है ना ही सेक्ट सो मेनी ऑफ द यू नो व्हाट हैपेंड इन द ऑडिट मोस्ट ऑफ द मिशल्स एंड एवरीथिंग वर फाउंड टू बी डिसफंक्शनल हां हमने लोन लिया है जो 100 बिलियन डॉलर मतलब अब मुल्ला सिटिंग इन लाहौर सेज की हां जी लिया है बोल तो नहीं देंगे वापस। हम से गैस जो है पाइपलाइंस के थ्रू वेस्ट एशिया से हम लेके आएंगे यहाँ पे जी और यहाँ से सोलर पावर जो बिजली हम यहाँ पे बनाते हैं इंडिया में वो हम वापस वेस्ट एशिया को बेचेंगे टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट मत करो इंसान पे इन्वेस्ट

बस उनकी नहीं बस उनकी नहीं है उनका टाइम पे प्रमोशन फिक्स है आई मीन हाउ कैन अ मैन बी सो मल्टी डायमेंशनल कि मतलब वो मतलब सीवेज सिस्टम भी ठीक करना आता है उसको रॉकेट लॉन्चर भी उसको रॉकेट साइंस भी आती है उसको दोनों नहीं हो सकता नहीं हो सकता ना जैन दोस्तों आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और आज हमारे साथ हैं ब्रो अभिजीत अयर मित्रा ओ यू ब्रो शामी शरण मैप्पा अच्छा आप आ, स्वामी शरणम अब आप मुझे एक बात बता, ये बताइए मालदीव्स का जो चल रहा है नॉट वेरी फार फ्रॉम अयप्पा आई मीन हाउ डू यू सी दिस एंटायर कंट्रोवर्सी फ्रॉम योर ओन लेंस ऑफ अभिजीत अयर मित्रा तो क्योंकि आपने बोल दिया नॉट फार फ्रॉम मैं ये एक मेक्सिकन प्रेसिडेंट थे बेनिथो हु उनका बहुत फेमस कोर्ट से शुरू करूँगा कि यू नो द ट्रेजिडी ऑफ मैक्सिको इज कि हम uh, अमेरिका के इतने पास हैं और भगवान से इतने दूर हैं तो आप मालदीव्स का भी यही प्रॉब्लम रख लीजिए कि मालदीव्स का ट्रेजिडी है कि वो हिंदुस्तान के इतने पास हैं और खुदा से इतने दूर हैं ठीक है दिस इज अ प्रॉब्लम दैट एवरी स्मॉल कंट्री हैज मी वन बिग कंट्री दैट डजन फेस दिस काइंड प्रॉब्लम विद स्मॉलर कंट्रीज एट्सट्रा और जितने आप छोटे हो उतना ज़्यादा आपका वो रियक्टिव इन्फीरियोटी कॉम्प्लेक्स को याद होगा जब आज तो ठीक है हिंदुस्तान सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गया है पर एक जमाने में आपको याद है जो भी इधर गलत हो जाती थी इंदिरा गांधी यूजन हैंड को इलेक्ट्रिसिटी चला गया ये सी आई ए नहीं सी आई ए नहीं क्या फॉरन हैंड री ताकत होगा विदेशी ताकत तो ये देर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट जब कोई गवर्नेंस डेफिसिट स्टेट होता है तो नेचुरली हर चीज़ जैसे श्रीलंका यूज टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन इंडिया नेपाल ब्लेम्स एवरीथिंग ऑन इंडिया भूटान ए स्टार्टेड ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन इंडिया बांग्लादेश यूज टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन इंडिया जैसे ही बांग्लादेश ओवर टू पाकिस्तान दे स्टॉप ब्लेमिंग इट ऑन इंडिया क्योंकि उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है पाकिस्तान अब भिकारी देश बने जा रहा है जितना ज़्यादा भेकारी बनेगा बट आई एम सरप्राइज दे शुड हैव बीन बीन ब्लेमिंग अस मोर देन एक्चुअली ब्लेमिंग अस लेस दिस इज स्टैंड अक्रॉस द बोर्ड ये फॉरन रिलेशन में अगर आप देखोगे ये इतना स्टैंडर्डाइज हो चुका है कि ये आई मीन वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ इवन ब्रिंगिंग इट अप बिकॉज दिस इज वॉट हैपन्स अक्रॉस द बोर्ड तो मालडिवस का एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है एक चीज़ है कि जहाँ जब चीज़ें उधर ठीक से नहीं जा रही हैं सरकार उधर से ठीक नहीं जा रहा है कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये है वो है की ब्लेमिंग इंडिया फॉर इट इट इज़ नथिंग यू कैन डू और देखिए दूसरी बात क्या है कि यू पर पहले उसके लिए आपको एक colonial narrative बनाना पड़ता है तो इधर क्या होता है कि हम सबको जो भी हमको अच्छा नहीं लगता है हम बोलते हैं तू गोरे आदमी का सिपाही है hmm. तो उधर वो बोलते हैं तू हिंदुस्तानियों का सिपाही है सो दिस इज हाउ इट वर्क यू नो दू कैन डू द प्रॉब ये शुरू कैसे हुआ था कि मोदी जी लक्षदीप गए ठीक है कंप्लीटली सुजेरिस विजिट फॉर इट्स ओन पर्पस टू ओवर सी वॉट इसमें हो रहा था मारिया शकील ने uh, वो uh, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बात किया वो क्या बोल रहे थे इट नथिंग टू टू डू विद कम टेक स्टॉक ऑफ क्या सब हुआ इधर डेवलपमेंट uh, प्रोग्रेस uh, क्या हुआ है और 2017 में भी आए थे उसके पहले भी एक बार गए थे एंड यूटेट हिम सेल्फ ऑन एवरी थिंग इसका फोटो लिया गया ना एनी टाइम द प्राइम मिनिस्टर विजिट समथिंग न्यू कुछ ना कुछ नया uh, टूरिज्म आ सकता है uh, थोड़ा मीडिया uh, अटेंशन आता है तो सब अच्छी बात है ना यू आर एडवर्टाइजिंग पार्ट्स ऑफ योर ओन कंट्री अब पता नहीं सब बंदे ने आके इंटरनेट पे बोलना शुरू कर दिया कि ये हमने मालदीव को मुक्का मारा ये मास्टर स्ट्रोक है ये है वो है मोदी ने कुछ बोला नहीं कोई मंत्री ने बोला कुछ नहीं कोई कोई भी सरकारी ऑफिशियल ने कुछ बोला नहीं बस ट्विटर आटी ये करने शुरू हो गए अच्छा, हाँ। सर की किसी ने कुछ नहीं बोला ये जो अम्बेसडर को बुलाया था मालदीव्स के पंजाबी जॉइंट सेक्रेटरी ने

अब एक ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर आपने अगर एक किसी को बुलाया है आप कितना टाइम लगा सकते हो उस पर पाँच दस मिनट लगा सकते हो और वो भी तब तक क्राइसिस डिफ्यूज हो चुका था तो क्या हुआ अंदर आए आ, टी के लिए टाइम नहीं रहा सर कुछ इंतजाम कर दो ये क्या सब हो रहा है थोड़ा टेम्परेट डाउन ऑन योर साइड थैंक यू बाय बिकॉज यू नो डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन आर नेवर रूड

इंडिया में भी लाइक like, मैंने कल एक वीडियो किया था वेर आई स्पोक कि मतलब इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इंडिया के जो होटल्स हैं जो लोग भी बाहर जाते हैं इंडिया में उनसे बहुत अच्छे होटल्स हैं यहाँ की हॉस्पिटैलिटी होटल्स की बहुत अच्छी है कम्पेरेटिवली हमारा खाना तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है यू गो स्टे इफ़ यू आर लाइक फॉन्ड ऑफ बीचेज़ एंड ऑल यू गो टू साउथ इंडिया सदर्न इंडिया कह देते हैं वो चलता है आजकल mm -hmm. तो सदर्न इंडिया हम जा सकते हैं वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं if you are fond of mountains you are fond of uh, all these things you can go to himachal you can go to Leh, ladakh aapko jis tarah ka mountain chahiye us tarah ka mountain milta hai uh, aapko flora fauna ka bahut shauk hai you go to uttarakhand you go to northeast theek hai it's a heaven aur uh, aap spiritual hai तो uske liye to fir koi kami nahi hai i mean maharashtra rajasthan is so beautiful rajasthan hmm. ki beauty is so underrated yeah. hmm? गुजरात पीपल डोंट टॉक अबाउट गुजरात गुजरात इज एक्चुअली रिचर देन यू नो इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज इट इज रिचर देन ऑल द नेबरिंग स्टेट्स कंबाइंड सब उसका खाने का मजाक उड़ाते हैं बट इट्स वेरी गुड फूड वेजिटेरियन खाना वेरी फूड इज स्वीट ये ये ना एक किस्म से uh, गाली yeah. uh, देने के ये <laughs> हो गया है नॉट एवरी फूड इन गुजरात इज स्वीट बट इसमें क्या है देखिए हर जगह का अलग से ब्यूटी हो बट सी वी लैंड कर रहे होते हैं इतने सुंदर सुंदर से बीच हैं उधर लक्षद्वीप में कितने सुंदर सुंदर बीचेस हैं वो सब छोड़ दीजिए लैंड में अगर आप मद्रास के लगभग 100 किलोमीटर साउथ जाते हैं जहाँ से श्रीलंका का वो प्रोटेक्शन शुरू हो जाता है हमारे तट का उधर आप देखेंगे दर आर व्हाइट सैंडी बीचेस आप एक मील तक चल के पानी में जा सकते हो आपका पैर मैक्सिमम uh, इधर वेस्ट तक आएगा ठीक है ना व्हाइट व्हाइट लाइक मॉल्डिवियन बीचेस रामेश्वरम के बाद इट इज व्हाइट सैंडी बीचेस एज गुड एज एनीथिंग आपने मेंटेन किया है नहीं आपने टूरिज्म को उधर आने दिया है क्योंकि वो फाइव मीटर लॉ है ना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ की आप पाँच सौ मीटर के अंदर कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते हैं करके वो अगर आप दिल्ली से महाबलीपुरम जाएंगे वो जो सब वो न्यू ईसीआर ईस्ट कोस्ट रोड है सबके सब उधर घर इलीगल है जिनको नॉर्मलाइज किया गया है आप हमारे को थोड़ा ब्राइब दो आप हम फॉर्मली आप पे कोई फीस लगाएंगे उसके बाद हम नॉर्मलाइज कर देंगे सो ये एक्चुअल इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन दैट नीडेड टू हैपन हैज़ हैपनड वो एक्चुअली इकोलॉजिकल में कुछ प्रोटेक्शन नहीं होता है बट

जो आपने टूरिज्म के तौर पे डेवलप नहीं किया है क्योंकि टूरिज्म के तौर पे डेवलप करने के लिए आपको वो इको प्रोटेक्शन लॉज चाहिए सब कुछ चाहिए अब देखिए मॉल में टाइगर शार्क डाइविंग भी है ठीक है वो आपको अंडमान्स में मिलता है पर आप डाइव ऑपरेटर्स आपको पता है उधर डाइव ऑपरेटर्स हर डाइव ऑपरेटर तीन साल के लिए चलाता है फिर जो उधर डाइविंग रेगुलेशन अथॉरिटी आके रिश्वत मांगता है दे शट देम डाउन फॉर नाइन टेन मंथ्स यार बिजनेस कौन चला सकता है ऐसे अगर आप इतने भ्रष्ट uh, ऑफिशल्स uh, uh, हैं जो हर डाइविंग ऑपरेशन को शट किए जाते हैं ऐसे ही मन uh, किया तो मैंने शट कर दिया देव एक्चुअली पास द सेफ्टी ऑडिट दे शट यू डाउन सेइंग ओ दिस टेक्निकली सेली पास द सेफ्टी ऑडिट सो ऑर्डर शट यू डाउन तो उधर लाइसेंस राज अभी भी चलता है लाइसेंस राज बहुत चीज़ों में चला गया है पर कई चीज़ों में नहीं गया है इकोलॉजिकली यू नो वीव गॉट दिस ट्रेंड क्योंकि पिछली uh, सरकार में यूपीए सरकार में एनजीटी ही खुद पैसा लेती थी हर चीज को क्लियर करने के लिए होता आप सभी को पता है इस बार क्या हो गया टू कॉम्पनसेट फॉर दैट काइंड ऑफ करप्शन जो बेसिक एंड इको लॉज हैं वो भी लागू नहीं किए जा रहे वी कैन एक्चुअली डिवेलप इट वेरी 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 वेल पर करेगा कौन देखिए मालदीव्स की अलग ब्यूटी है वी कान से यू नो देखिए अगर आप पहाड़ में गए हैं स्विट्जरलैंड का ब्यूटी ऑस्ट्रिया से अलग है जो हिमाचल से अलग है और हिमाचल में भी आप देख लीजिए जो आ, पास में जो है कसौली शसौली इसका ब्यूटी वो जो लूनार ब्यूटी जो हायर ऑल्टीट्यूड पे आता है जैसे लाहौल स्पीति जगह एरियाज में इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इवन लद्दाख आप देखोगे जो पैंगोंग्सो का ब्यूटी है वो नूबरा के ब्यूटी से बहुत ही अलग है मीन दज नो इट्स टेक्निकली विदिन हंड्रेड किलोमीटर्स बीच बट टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी सो यू नो इट डजेंट मेक इन सेंस कंपेयरिंग इच अदर बट we have to ask ourselves this is a technically India does not even get वन टेंथ the number of tourists that it should और गलती देखिए जो जिनका inferiority complex होता है मॉल डिवस की तरह वो बाहर देखते हैं जिनका खुद का एक आत्मविश्वास होता है अंदर देखते हैं कि हमारे में क्या गलती हो गई ताकि हम उसको फिक्स कर सकें ठीक है लाइक यू नो दिस इज लाइक डिफेंस सॉरी टू ब्रिंग एवरीथिंग बैक टू डिफेंस सब पूछोगे बाई है अमेरिका आर्म्स लॉबी कितनी बार आपके शो में भी आके बोलते हैं अमेरिका ने किया आर्म्स लॉबी ने किया भाई कौन है आर्म्स लॉबी खुद अपनी ओर देखो हम खुद को बेहतर करें इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर पीपल नोबडी एवर वांट्स टू लुक विद इन देम देर आर लॉट्स ऑफ आई 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 गारंटी यू आपको पता है इटली व्हिच इज अ फुली डेवलप्ड जी7 कंट्री 25% ऑफ इट्स जीडीपी डिपेंड्स ऑन एग्री फूड सेक्टर क्यों क्योंकि बहुत आसानी से उन्होंने बस यूट्यूब पे जाके और हर चीज पे जाके नो दिस इज नॉट द वे यू दू इटाली वही कर आ मैं समझ लो इटालियन हूं मैंने टमाटर पकाया थोड़ा ऑलिव ऑयल में उसमें नमक और मिर्च डाल दी और ये कर दिया Uh, वही इटालियन जो वही किया होगा कि बोलेगा ओ इज दिस इज नॉट रियल इटालियन यू नीड अ प्रॉपर इटालियन टू डू दिस प्रॉपरली और इसमें इसके चाल में पहले वो यूट्यूब मोनिटाइज करेंगे उसका hmm. और उसमें एक दो करोड़ कमा लेंगे फिर उसके प्रोडक्ट्स के बेसिस पे पचास तीस करोड़ और कमा लेंगे सी सीधर आर वेज ऑफ डूइंग दिस हमने कितनी बार बात की hmm. हम यू बोथ ऑफ आस आर फूड फूडोज यू नो फूड इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ टूरिज्म

अपने और भी देखो हाउ यू कैन मेक टूरिज्म इन टू गारंटी यू यू पुट इन फाइव इयर्स एफर्ट इन टू दिस स्टॉप ऑल दिस टैक्सी ड्राइवर्स चीटिंग यू बस ड्राइवर्स चीटिंग यू मेक कनेक्शन ईजी कैटेगराइज गोइंग एज पर सिट यू कैन टर्न टूरिज्म इंटू वन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री इन इंडिया गैरंटीड अमेरिका में भाई एक लो, लो, कोई एक फिल्म एक्टर इधर मर गया थीके? उसने पता नहीं रैट पॉइजन या या कोई सांप ने डस लिया वो इधर मर गया उसका मॉन्यूमेंट बनाएंगे फिर उधर एक आई मैक्स थिएटर लगा के उसमें उसका जीवन स्टोरी पर एक ये करेंगे और उधर ही तीस चालीस मिलियन का बिजनेस कर देंगे हम इधर चार राजाएं महान राजाएं मरे होंगे इतना बड़ा पैलेस है पैलेस है कुछ भी हम देखेंगे नहीं उसको बर्बाद होने देंगे कुछ भी नहीं करेंगे उसका उपाय आई मीन

तीन लाख टूरिस्ट हमारे यहां से हर साल मालदीव्स जाते हैं hmm. तीन लाख से ज्यादा सवा लाख के करीब hmm. तीन लाख टूरिस्ट अगर वहां जाते हैं अगर एक टूरिस्ट ऑन एन एवरेज अगर लाख रुपए भी खर्च करता है hmm. मालदीव्स के अंदर hmm. जो कि ऑब्वियसली करता होगा बेयर मिनिमम में तो हाउ मच ऑफ इंडियन करेंसी इज गोइंग इन टू एंड अगर उसका हम फिफ्टी परसेंट भी इफ यू आर एबल टू डाइवर्ट टू लक्षद्वीप तो हमारी वेलफेयर लाइक गो इसमें तीन एरियाज हैं विच इज द रामेश्वरम कोस्ट लाइन विच आई स्पोक अबाउट अंदाज एंड लक्षदीप ऑल ऑफ देड डेवेलपमेंट अब इसमें देखिए जो टूरिस्ट मार्केट होता है इसमें भी अलग अलग किस्म की चीजें होते हैं मॉलडीव में अगर आप देखोगे द बेस्ट रिसोर्ट्स आर ऑल वेस्टर्न मैनेज उधर जो पूरा प्रॉफिट मार्जिन होता है वो वापस उनके नेटिव कंट्रीज को रिपैट्रिएट होता है बहुत सारे टूरिज्म नॉट बहुत सारे सब टूरिज्म स्टडीज जो होते हैं वो पता है मैक्सिमम लोकल रिटेंशन ऑफ पैसा किससे आता है लो इनकम टूरिस्ट से लोकली ऑन लोकल एयर बी एन बी लोकल गेस्ट हाउसेस, लोकल खाने वो uh, ताज में नहीं जाएंगे खाने नहीं, के लिए वो काकेदी हट्टी जाएंगे या राजेंद्र का ढाबा जाएंगे जो फुल्ली लोकली ओन्ड है, नॉट दैट ताज इज़ आल्सो नॉट लोकली ओन्ड, बट एनीवे ताज इज़ वेल इरानियन ओन्ड करके लोकल में ये करते

जैसे नॉट लाइक से रिट्स कॉल्टन नहीं ताज कॉल्टन ठीक है या ओबराय शाहिन शाह सीजीएच महा महाराजा नहीं आ, महाराजा से ऊपर सम्राट महासम्राट चक्रवर्ती सम्राट ठीक है सीजीएच चक्रवर्ती सम्राट रिसॉर्ट हां ललित, हाँ, ललित ललिताधित्या <laughs> रिसॉर्ट ये ये सब नाम करके आप लगाओ जहाँ बहुत ही एक्सक्लूसिव हो जहाँ बहुत सारा पैसा बनाए उससे एंड बिकॉज दीज आर ऑल लोकल कंपनीज द मनी स्टेज इन इंडिया एंड गेट्स री इन्वेस्टेड इन इंडिया इन प्लेसिज लाइक रामेश्वरम मेक इट एक्सेसिबल टू वाई शुड इट ओनली बी फाइव स्टार रिजॉर्ट्स वाई वाई कॉन्ट ऑर्डनरी पीपल क्यों अपनी फैमिलीज़ को लेके बीच वेकेशन पर नहीं जा सकते डाइविंग पे नहीं जा सकते ये सब नहीं कर सकते उनको उनके लिए बनाओ अंदामां में थोड़ा मीडियम भी हो सकता है हाई एंड भी हो सकता है पर देखिए ये मार्केट आइडेंटिफाई करके ये सब करना बहुत जरूरी है इट इज़ अूज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इट इज़ अ ह्यूज वैल्यू एडिशन जनरेटर यू नो बिकॉज देन यू कैन स्टार्ट सेटिंग अप हॉस्पिटैलिटी कॉलेजेस इन ऑल दोज प्लेसेज एंड थिंग्स लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं आपको पता है पाण्डिचेरी का खुद का एयरपोर्ट है hmm. जो नाइन मंथ आउट ऑफ ट्वेल्व काम नहीं, काम नहीं करता है, है। <laughs> कभी कभार एक uh, कोई ना कोई एक uh, प्लेन ले जाता है हर हफ्ते एक बार एंड hmm. देन वो रूट सस्टेनेबल बिकॉज पीपल डोंट इवन नो हैज एन एयरपोर्ट सो यू कैन मे बी मेक अ रामेश्वरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट समथिंग एंड सी इसमें ना इतना जॉब जनरेशन है इतना बट डू वी इग्नोर इट अब देखिए प्रधानमंत्री हर चीज को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते हैं right. उन्होंने आके लक्षदीप पे हाईलाइट किया है hmm. फोकस किया है अब आप बाकी का काम करो hmm. वो भी नहीं करेंगे और बाबू लोग तो बाबू हैज नेवर मेट अ प्राइम मिनिस्टर ही डिड नॉट हेट hmm. देखिए बाबू नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के बारे में सोचता है आई ए एस इंडियन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कभी इंडियन के बारे में नहीं सोचता है एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में नहीं सोचता है बस सर्विस के बारे में सोचता है खुद का सर्विस ठीक है तो

आपको पता है देर इज एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसिस इन दिल्ली कि पीपल हैंग ऑन टू देयर ऑफिसिस इवन आफ्टर देयर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स आर ओवर अगले दिन मदर डेयरी के सामने वो दूध का डब्बा लेके खड़ा खुद होना होता है यही तो प्रॉब्लम होता है ना देन आई मीन क्लियर केस ऑफ पीटीएसडी आई मीन दैट्स अ दैट दे गो थ्रू पोस्ट ट्रॉमेटिक ये ट्रॉमा नहीं होता है

बट पहले वो मोहम्मद नशीद ही वॉज एक्साइल इंडिया ने उनको यहां रखा देट टू दावर डायरेक्टली बट सम हाउ यू नो इट वॉज मैनेज किट अल्ड ऑफ सम थिंग इन द गवमेंट फिर आफ्टर हेम अगेन वी सॉ दैट दिस गवेंट केम विदेन ऑफ इंडिया आउट इंडिया आउट कैंपेन से आए ये इन्होंने चाइना के साथ डील्स किए चाइना को फिर वही सारा पोर्ट्स दे दो ये दे दो वो दे दो काइंड ऑफ ब्लैकमेल अगर हम चाइना को जितना देंगे इंडिया उतना इंडिया में क्रिएट होगा फिर इंडिया और हमको पैम्पर करने आएगा hmm. फिर इंडियन नेवी ने उनको कुछ हेलीकॉप्टर्स दिए फॉर क्या कह सकते हैं उसको सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के hmm. लिए देन दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर डोर्नियर्स ठीक है कि हमको डोर्नियर्स चाहिए विच वॉज न Uh, I mean, ऐसा नहीं है वो कोई बहुत मॉडर्न प्लेन था हमारे पास भी वो 30 -40 साल हाँ, ही पड़ा हुआ है but हाँ, हमने दिया नहीं, तो, नहीं, करने नहीं, ना? नहीं, नहीं। हाँ, तो फिर आपके पास देखिए जब बांग्लादेश ने फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी ईयर पहले आपको याद है उन्होंने मिग ट्वेंटी नाइन खरीदे थे They didn't have the resources to maintain those MiG-29s. They are very high maintenance. Mm -hmm. See, Russian aircraft are less maintenance than Western aircraft mm -hmm. generally, more robust. But उसको भी मेंटेन करने के लिए इतना पैसा ब्लीड किए जा रहा था दै 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 दे देन हैड तू सेटल फॉर अ मच लोअर थ्रेसहोल्ड विद द याक 130. Mm -hmm. Because the MiG-29s were unserviceable. यार mm -hmm.

भाई आप क्या एंटी सबमरीन ऑपरेशन कंडक्ट करोगे आप uh, ये औ, औ, और वेर इज योर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग सिंगापोर एन एक्सट्रीमली स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर विच इज़ इट कैन अ वेरी फॉर्मिडेबल मिलिट्री फोर्स वेरी फॉर्मिडेबल एयर फोर्स वेरी फॉर्मिडेबल नेवी आप कैसे कर पाओगे hmm. तो यू नो वी ऑल्सो बी वी कान बी लाइक चाइना ये ना अगर देखिए पेरेंट को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है चाइना ऐसा पेरेंट है जो उसका बच्चा बोले ए मम्मी मेरे को ना गांजा फूकना है गांजा मैंने फूक लिया अब चरस करना है अब मेरे को क्रिस्टल करना है मैथ करना है ये करना है हाँ ये ले बेटा ये ले इंजेक्शन का पैसा और ये ले गांजा का पैसा चाइना इज़ दैट काइंड ऑफ अ पेरेंट इंडिया इज नॉट लाइक इंडिया टिपिकल इंडियन मम्मी सिगरेट फूकोगे तो मम्मी तुम्हारे पे आरोप लगाएगी बर्तन से हाथ में जो भी मिले करे सर पे ठोका जाएगा विच इज वाई गिव्स यू एड यू नॉट डू नॉट गो बैंक गिव्स यू एड चाइना तुमको एड नहीं दे रहा है वो तुमको सांप दे रहा है वो तुमको बिच्छू दे रहा है यू विल गो बैंक अब देखिए श्रीलंका का क्या हो गया हालत hmm. तो सी दीज पीपल दे वॉन्ट टू स्पेंड एट सम पॉइंट चिल्ड्रन नीड टू मेक नॉट दिन मॉल डीव क्योंकि ये जो हिंदी इडियम है वो काफ़ी डिफरेंट है वो थोड़ा hmm. अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने से वो इनफेंटिलाइज <laughs> कर रहे हैं आप करके <laughs> वो हो जाता है बट आई मीन हमारी हिंदी ऑडियंस तो समझ लेंगी इसको कि जब बच्चा जाके जिद करता है मम्मी मैं मोटरसाइकिल पर ही जाऊंगा जब तक कि उसका एक्सीडेंट ना हो और उसका माथा ना फूटे तब तक वो सुधरेगा नहीं और एक मम्मी के तौर पे बस एक चीज किया जा सकता है कि हम पूछ सकते हैं कि हमारा बच्चा ठीक है थोड़ा सा अस्पताल में एक महीने रहे पर कुछ परमानेंट डैमेज ना दैट्स ऑल यू कैन डू बिकॉज यू नो दीज आर ग्रोइंग थैंग्स दैट एवरी कंट्री गोज थ्रूटिंग गो थ्रू

बट uh, मेरा जो इसमें जो आर्गूमेंट था कि ये जो सारी की सारी ये जो एडवेंचरिज्म का जो शौक आता है इन कंट्रीज को जैसे बीच में भी नेपाल को भी आ गया था एवं के पी शर्मा ओली वॉज द प्राइम मिनिस्टर और वो चाइनीज एम्बेसडर के साथ ओले ओले कर रहे थे बहुत उनको यू नो गेटिंग वेरी कंफर्टेबल विद द चाइनीज सी सी पी नन ऑफ द गवर्मेंट्स

किसने इंडिया आउट के लिए वोट किया होगा ठीक है कोई गुज्जू मारवाड़ी कपल्स हॉलीडे पे आए होंगे आ, से सोने वाफूशी में दैट्स वन ऑफ देयर लग्जरी रिजॉर्ट ये बंदा उधर आ, क्या फूड एंड बेवरेज मैनेजर का काम करता है ठीक है उन्होंने आके बोला होगा ए भाई हसन भाई इधर आ इस ये क्या तूने हमको दे रखा है इसमें ना ही मिर्ची है ना ही तो ये है हरामजादे मिर्ची ले आ ये यार हमारा बात करने का स्टाइल ये होता है समझ समझें कि इज गॉटन वेरी इरिटेटेड फिर दे वुड हैव डिमांडेड कि और मिर्ची डालो और मिर्ची डालो या कुछ और अचार कहाँ है ये कहाँ है वो कहाँ है यूजलेस uh, होटल हमारे हमारे गुज्जू टूरिस्ट के लिए तुमने ये नहीं किया या आंध्रा टूरिस्ट के लिए नहीं किया या एसमीज टूरिस्ट के लिए नहीं किया ठीक है इज़ वेरी अपसेट विद दैट ही थिंक्स इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ इंडियंस सो ही सपोर्ट्स ऑल ऑफ दिस एन इंडियन टूरिस्ट स्टॉप इंडियन टूरिस्ट स्टॉप पैसा कहाँ से आएगा द होटल इज नाउ प्लानिंग ऑन सैकिंग नॉट एन बिन एनफूरिस्ट अराइवल्स पहले मैं जितना खाना खा सकता था खा लेता था अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सकता था नाउ दर दूर दिस थिंग बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड रियालिटी लॉट ऑफ आर व्यूअर्स वर्क इन ऑफिसम्प्लॉयड उनको कितनी बार होगा कि उन्होंने अपने बॉस का माथा तोड़ने का सपना देखा है पर जाके माथा तोड़ते नहीं हो ना बॉस के घर में जाके उसको हरामजादे बीसी एमसी नहीं बोलते हो ना क्योंकि अगर बोलोगे तुमको पता है उसके बाद क्या होगा सेम थिंग सो देर इज अ गुस्सा आता है एंड यू टेक इट आउट वाई केरियसली थ्रू इलेक्शन योर बॉस And in this case, you know, Atiti Devo Bhava. So, if you work in the hotel industry or whatever, the tourist is your boss. So you're you're very upset with all of this and things. But then, what happens when the tourist stops? Um, so you know, it's and this is the case across uh, South Asia, uh, the Indian Ocean Rim. See, Africa. if you Uganda, they have taken the But Tanzania and Kenya, it's not that they like Indians a lot.

नहीं ये आस्ते आस्ते इनको भी होश आएगी ना ये प्रॉब्लम uh, क्या है ये जो इट्स द थ्रिल ऑफ शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन इन यू नॉट थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन करने दो सो दैट इज वाई से आई विश चाइना अपॉन यू नॉट मी वॉट कैन चाइना डू रियलिस्टिकली बूटी में चाइना का बेस है ये जो कॉस्को का जो शिप जिसमें हाईजैकिंग हुआ था दैट इज़ अ चाइनीज शिप इथ द चाइनीज प्रोवाइड एनी हेल्प टू इट नो इंडिया हैल्प टू इट सो चाइना दिस नोशन दैट चाइना इज अ ब्लू वाटर नेवी इज कम्पलीट रबिश उसका जो लॉजिस्टिकल फुटप्रिंट है इट इज़ एक्चुअली वेरी लेस दे डोंट नो वॉट अ ब्लू वाटर नेवी इज स्टिल ठीक है सेकेंड चीज क्या है कि चाइना जो भी करेगा इट विल टर्न लोकल पॉपुलेशन अगेंस्ट इट, ठीक है वी शुड नॉट लुक एट दिस कि भाई चाइना घुस जाएगा और फिर अगर घुसेगा भी आप देख लीजिए तालिबान ने अफगानिस्तान वी हैव नो जोग्राफिकल कनेक्टिविटी टू अफ़गानिस्तान फिर भी आउट ऑफ एक्सेप्ट फॉर से फोर इयर्स ऑफ तालिबान रूल फ्रॉम 1996 टू 2000 नो no, 1997 टू that was the only time that afghanistan was hostile to us other than that it's been very friendly to us Taliban which hated us now loves us and hates pakistan i always have faith in india because india is not a malignant player ultimately everybody realizes india is not a malignant player and they'd much rather deal with india than deal with china so i actually do wish china upon you

आई मीन ठीक है दैट इज बट अगर हम देखें कि जो चाइना की जो प्रोडक्शन रेट है जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है मतलब शेयर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आउट मैच एनी बडी एल्स इन दर्ल्ड चाहे वो आर्टिलरी प्रोड्यूस करने की हो चाहे वो मतलब फॉर मैटर इवन फाइटर जेट्स भी प्रोड्यूस करने की हो या शिप्स बनाने की हर में हर चीज में तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है सो ऑब्वियसली लाइक अभी यूक्रेन में जैसे था He um, I did a video with uh, General Raj Shukla. We were discussing. So he's such a fantastic guy, na? Yes. And um, he said, and he and you know it's very rare. He you know uh, the retired any retired general who can accept that we there are shortcomings in our so. Yahi main bol tha na, general Shukla khud andar he has no inferiority complexes. Hmm. He's very happy to introspect. Yes. He's not the type who'll go around जो हुआ अमेरिका नहीं करवाया हाँ, चीन ने करवाया रूस ने करवाया नहीं यस कर yes. तो अभी जैसे यूक्रेन वॉर में अमेरिका वाज एबल टू प्रोवाइड अबाउट हंड्रेड थाउजेंड आर्टिलरी शेल्स टू तो यूक्रेन इन अ मंथ दैट्स द क्वांटिटी दे नीडेड इन अ वीक ठीक है एंड दैट वाज व्हेन ईयू अमेरिका साउथ कोरिया एंड ऑल इट्स एलाइज मतलब दे वर जॉइंटली एबल टू यू नो प्रोवाइड 100000 शेलस जी नॉट जस्ट अमेरिका लोन तो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स द द यू नो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग दिस एंड दैट पर उसके लिए आप देखो एक जमाने में व्हेन आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता था आ, वो जो जब आपका आजकल लोन डिफॉल्ट होता है गुंडे आके आपके घर के अंदर घुस के आपका हाउस का पोजेशन ले लेते हैं ये ले लेते हैं वो आजकल इंटरनेशनल रिलेशन में होता नहीं है अर्जेंटीना कितना बार, बार डिफॉल्ट कर चुका है Have any of its assets been seized and things like that? No. So even if uh, Sri Lanka, Maldives, Laos, whatever uh, default on loans or just refuse to pay it back, China, in modern international relations, you can't just send your fleet and capture them and colonize them. Number one. Number two, I want Chinese money to be wasted this way.

जिस सौ बिलियन डॉलर मतलब अब मुल्ला सिटिंग इन लाहौर से इसकी हाँ जी लिया है बोल तो नहीं देंगे वापस हाँ, हाँ, बोल पर आ, तो अगर, अगर वो देंगे नहीं आप क्या करोगे उनको हाँ। पहले तो वो धमकी देते थे कि भाई देखो अगर इफ यू फोर्स अस टू इफ यू डोंट राइट इट बैक स्टेट ब्रेकडाउन हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन सब ये तालिबानी लोगों के हाथ में चले जाएगा दिस डेज नोबडी इवन बाइज दैट थ्रेट एनी Because they realize that Taliban are more... Irresponsible. Uh, more responsible than you chaps sitting in ISI headquarters are. Yes. Hai? So, uh, even want, that doesn't they, work. they want their fighters to train in Indian military academy. Exactly. <laughs> so, what happens I don't disagree with all of that. China has, compared to India, their industrial manufacturing and their ability to sustain and logistics is infinitely greater. Not infinitely, but exactly. Much more. But much, much more hmm. than India.

ठीक है तुम तो किसी को एयरपोर्ट दे दिया ठीक है तुम तो एयरपोर्ट ले लो तुम तो वो पार्क ले लो वो पार्क तो पाकिस्तान में ही है ना वो एयरपोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर है आई मीन दे आर गिविंग एसेट्स बेसिकली मेकिंग फूल्स तो इन अ लॉन्ग रन वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर है वो एयरपोर्ट और तुम्हारे टोल के पैसे से तो आना नहीं है बट uh, ये जो पैसा चाइना जो है जो स्पेंड किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है

Which is a recoverable asset? It is all unrecoverable assets and it is all bound to fail. क्योंकि आप देख लीजिए पहले ये होता था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं बिजनेस एनवायरमेंट ऑल्सो हैज टू थिंग रेगुलेटरी एनवायरमेंट देखिए सिंपल चीज है आपने ग्वादर पोर्ट बना दिया क्या सोच के आपने ग्वादर पोर्ट बनाया आपने सोचा है कि अगर पोर्ट बन गया है तो शिप आना शुरू हो जाएगा यार अंदर वो लग्जरीज की वो डिमांड होनी चाहिए कि भाई मैं आ, इतना सारा बॉटल शैम्पेन इम्पोर्ट करूंगा या मैं आ, टेबल्स इम्पोर्ट करूंगा या मैं फुटबॉल एक्सपोर्ट करूंगा ठीक है फुटबॉल तो एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से ठीक है बट थिंक ऑफ द डिफरेंट थिंग्स दैट मी इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान जब आपकी वो क्षमता इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की क्षमता ही नहीं है तो यू नो इट इज लाइक ओपनिंग आई कैन ओपन द वर्ल्ड्स बेस्ट मर्सिडीज शोरूम इन दिल्ली पर अगर मेरे पास मर्सिडीज है ही नहीं बेचने के लिए और अगर मैंने खोल दिया उसको पता नहीं झारखंड के झारखंड फॉरेस्ट hmm. भाई कौन आके खरीदेगा उधर

Tota port Lanka Usko, commercial? Has, has it given a boost to Sri Lankan commerce? Nothing. So, let the Chinese waste their money. We want the Chinese to waste their money. Aap de rahe See, you should never. This is one of the famous dictums of Napoleon. Never interrupt your enemy when he's making a mistake. And never stop him when, when he's committing suicide. Yes, exactly. So, let him. So, this is why I say.

उ डू यू सी दिस इट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग पहले मैं सोच रहा था कि भाई ये क्या बकवासा कॉरिडोर है घंटे में किसी को डिटेल्स पता नहीं था उसकी के बाद हमको पता चला कि भाई सी वॉन एनर्जी कॉरिडोर वेर इन वी कैन रिसीव गैस इन विच केस बिकॉज एवरीबडी यू रिमेंबर वो ईरान इंडिया का जो पाइपलाइन अंडर सी पाइपलाइन बना था विच कॉन्ट कैंसल्ड बिकॉज इट वॉज सो एक्सपेंसिवी डिड नॉट वॉन्ट इट गोइंग थ्रू पाकिस्तान today because it will not be a one way pipeline it will be a two way pipeline where there'll be gas and petrol well gas mostly coming from there but huge solar energy farms that you can set up in india and export and saudi arabia and export it back out there then it is a corridor for high uh, uh, high value manufactured goods chips and things like that to go to and fro so it is a very carefully it is actually a sustainable carefully thought out plan तो आप आपके कहने का मतलब ये है कि हम वहां से गैस जो है पाइपलाइंस के थ्रू वेस्ट एशिया से हम लेके आएंगे यहाँ पे जी और यहाँ से सोलर पावर जो बिजली हम यहाँ पे बनाते हैं इंडिया में वो हम वापस वेस्ट एशिया को बेचेंगे दैट इज वॉट रेड ना आई डोंट थिंक आई थिंक सोलर पार बी वेरी लोकलाइज लुक एट यूरोप कनंड्रम बिकॉज यू नो मिल्स

जो बनारस के आउटस्कर्ट्स में जो, जो कंट्री साइड है कंट्री में भी आप जाएंगे तो पीपल हैव इंस्टॉल्ड मतलब सोलर सोलर और हिंदुस्तान में एंड दिस इनफैक्ट स्टार्टेड अंडर नरेंद्र मोदी इन गुजरात पहले क्या होता था हम बस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स देखते थे कि भाई सोलर थोड़ा एक्सपेंसिव है अगर हम बनाएंगे पर यूनिट इतना आ, रिटर्न उसका, it, it, it बट इन इंडिया अंडर मोदी इन गुजरात अंडर मोदी स्टॉप सींग दिसन ऑन इन्वेस्टमेंट स्कीम हम सोचने लगे कि ये सोशल जस्टिस स्कीम है आप अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग कीजिए एक गांव और गुजरात के गांव में अगर आप रेगिस्तान गांव में जाओ इधर गांव में 500 आ, ये होंगे उधर बस पाँच दस ही होंगे पता है तो एक वेल बनाना और एक पूरा पावर लाइन लगाना पता नहीं कितने सैकड़ों करो, करोड़ों का आ, एक आ, Line is not economic viable. Instead, you put up solar this thing mm. and it changed the economy on the ground. So we look at it as a almost like a social uh, obligation in a way. And if there is now opportunity to export it, fantastic. Because the thing is, can we transmit it for that long? How will it be transmitted? Because it's not just the cost of generation, it's also the cost of generation plus the cost of transmission. now moving forward. वी हैव सीन कि अभी जो इसराइल और um, हमास के बीच में चल रहा था वॉट एवर हैपेन्ड देर डोंट यू थिंक कि यार वो जो एक सुपीरियोरिटी uh, थी टेक्नोलॉजिकल एज था इंटेलिजेंस की जो एक, का जो एक एज था इसराइल का इट वॉज कॉम्प्रोमाइज हैविली बिकॉज दे कुड नॉट यू नो स्टॉप द अटैक फ्रॉम हैपनिंग एंड अभी इतना टाइम हो गया है बट स्टिल नॉट ऑल जितने भी उनके जिनके जिन, जिन लो जितने लोगों ने किडनेप किया था hmm. उन सबको प्रोड्यूस भी नहीं कर पाए हैं रिकवर भी नहीं कर पाए हैं रिलीफ़ फोर्सेस और लड़ाई लगातार वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है सो ठीक so, है हमने देखा है कि अभी में, में, फिर अभी रिटेलिएशन में सीरिया में या फिर हिजबुल्ला के टारगेट्स फिर ईरान के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है बट एक हमास को काउंटर करने में इतन, इतना लंबा टाइम और अभी तक भी वो सक्सेस नहीं मिल पाई है हाउ डू यू सी दिस सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ द रिटेलिएशन ये तो बहुत ही लॉन्ग रर्न आउट है जो विद इन द फर्स्ट टू थ्री वीक्स जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था में बॉस ये ना जल्दी वाला प्लान नहीं है uh, ये कम से कम बिकॉज यू नो इट्स अबाउट टू थ्री मिलियन पीपल इन गाजा एंड इसल टोटलेशन इट आर मुस्लिम सो ये एक दो साल लग ही जाएगा तो देवर नेवर अंडर एनी डिल ये जल्दी से फट से खत्म होगा ठीक है दो साल मिनिमम वॉज देर प्रिडिक्शन दूसरा क्या था इसमें कि uh, मैं कितनी बार वैभव आपके प्रोग्राम पे आ चुका हूं जब मैं बोलता हूं कि भाई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट मत करो इंसान पे इन्वेस्ट करो और आपके व्यूअर्स भी देख के उसे बोलते हैं ये मोटा गंजा होमो साला छक्का हिजड़ा ड्रेसर क्या बकवास करते रहता है कमेंट्स uh, इस बार भी बहुत सारे आएंगे नो no प्रॉब्लम uh, वो मैंने जो सुहेल सेठ के घर में वो मुजरा किया था उसका भी uh, वीडियो डालेंगे कई लोग नो प्रॉब्लम वॉट डू रॉन्ग डिपेंडेड टू मच ऑन टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन इन द लूप होना चाहिए था जो रिडेंडेंसी वो नहीं था वो टेक्नोलॉजी सब कुछ आप देखिए इट वाज ऑल टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग ऑफ द बॉर्डर क्योंकि उधर दर थ्री लेयर्स ऑफ लेयरस प्लस टू रिडंडेंसीज द फर्स्ट वाज वॉज कैमरास द सेकंड वाज द मोशन सेंसर्स एंड द थर्ड वाज द ग्राउंड फेसिंग रेडार तीनों को इन लोगों ने छोटे छोटे ड्रोन लिया कि छोटे छोटे अटम बम की तरह जो हमारे uh, दिवाली अटम बम है उससे थोड़ा ज्यादा पावर के एक्सप्लोजिव ले आके उसके ऊपर फेंक दिया और उसको उड़ा दिया फिर जो मशीन गन टैरेट्स थे ऑटोमेटेड मशीन गन टैरेट्स उन पे भी चले जाके दे रियलाइज दे डेंट हैव टू डिसेबल द मशीन गन दे ओनली हैव टू डिसेबल द ऑप्टिक्स जिससे वो मशीन गन एम होता है उसको डिसेबल कर दिया देन दे नीड टू यूज़ अ स्लाइटली बिगर ड्रोन की जब वो हम भी आके पेट्रोल क्योंकि ये ऑप्टिक फेल हो गया है तीनों आपके मोशन सेंसर आपके रेडार और आपका कैमरा फेल हो गया है और आपके मशीन गन का ऑप्टिक्स भी फेल हो गया है तो हम हम भी भेजेंगे और जब हम भी आता है उस पर आप एक ग्रेनेड साइज का कुछ डाल के कर देते हो, और उसके बाद जब पांचवा रिडंडेंसी है, है उस पर आप स्लाइटली हेवियर एक्सप्लोजिव डाल के जस्ट टू टू थ्री के जीज इज इनफ नॉक आउट है assume this is a border that had been manned by human beings do you think the same mistakes would have been made see a camera does not convey the kind of situational awareness and context that human beings looking at each other can this was a classic case of over-reliance on technology uh, the second thing was where was the human failure out here intel failure apni bojyada human assets pbi kafi zyada uh uh technology par bhi zyada vishwas kia. The human failure in Intel is not something Intel fails. This is something you have to accept. There is n there has never been an Intel system in the world that has not failed. Including CIAs. CIA has failed so many times. So many times. Right. Uh, but they accept it. They accept it. Hmm. As opposed to countries who do not accept it and they claim hmm. sab -si. hmm. uh सो नो इट इज हाउ इज दिस एनी डिफरेंट फ्रॉम से वो नाइनटीन सेवेंटी थ्री वॉर में वैन द इजराइली इंटेलिजेंस फील्ड एंड इजराइली मिलिट्री फेल टू प्रिवेंट द ब्रीचिंग ऑफ द बार्लेव लाइन बाई द इजिप्स राइट नॉट दैट डिफरेंट बार्लेव लाइन वॉज ऑल्सो हैविली ऑटोमेटेड मैकनाइज फोर्टिफिकेशन और इसके पहले वो जो माजीनो लाइन था जो फ्रांस ने कंस्ट्रक्ट किया था जर्मनी के खिलाफ वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉडेड हिटलर डू इसने देखा तुमने बिल्डिंग ये वॉल बना के रखा है मैं क्या करूंगा मैं बेल्जियम नेदरलैंड से आ जाऊँगा जहाँ तुमने वॉल नहीं बनाया है मंगोल्स ने भी चाइना को यही किया था हाँ तुमने ग्रेट वॉल बनाया है ठीक है ईस्ट कोस्ट पार्ट दार्टच गोज इन टू दुरियन पेनिशल फ्राम देयर एंड केम फ्रॉम देयर दंगोल्स केम फ्रॉम दाइड

गलत एटीट्यूड है टेक्नोलॉजी का कि टेक्नोलॉजी से आप अपनी ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं कॉम्पनसेट hmm. कर सकते हैं आप नहीं कर पाएंगे व्हाट टेक्नोलॉजी डज़ इट इनेबल्स ह्यूमंस टू डू थिंग्स बेटर तो टेक्नोलॉजी की वजह से आप फ्रॉड को एलिमिनेट फाइनेंशियल फ्रॉड को एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं बट यू बीन एबल टू डिटेक्ट इट मच बेटर ट्रैक इट मच बेटर एंड इंश्योर इट गेट्स पनिश्ड सो इंडिया हैज अ पर्टिक्यूलरली बैड एटीट्यूड विथ टेक्नोलॉजी आई डोट नो हाउ द इजरेलीज मेड दैट मिस्टेक क्योंकि जब भी मैं इसराइल जाता हूँ मैं देखता हूँ कि उनका जो पूरा एटीट्यूड है टेक्नोलॉजी की ओर वो हमेशा ह्यूमन 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 पर ही फोकस रहता है

ये इसको ऐसे करेंगे इसको वैसे करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इट वॉज एक्चुअली रिजर्व ट्रूप्स हु डिड वेल हु हैड बिन फोकस्ड ऑन प्रॉपर इन्फंट्री फाइटिंग टैक्टिक्स दे शुड हैव आई मीन मैं समझता था कि इज वेर एटलीस्ट स्मार्ट एनफ टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड नॉट रेप्लीकेट दिस ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड वेल थी टेट सो एक बात हमने ये यूक्रेन में भी देखी और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भी जो एफपीवी ड्रोन्स का जो यूज हुआ है आई मीन यूक्रेनियंस यूज इट वेरी वेल वेरी वेल हां और बिकॉज़ एफपीवी ड्रोन्स आप मतलब इतने छोटे से लेकर के इतना बड़ा भी कितना भी बड़ा बना लो दैट इज अप टू यू एंड दे फ्लाई वेरी फास्ट ठीक है छोटे वाले यूज किए एज यू कि वो मॉनिटरिंग uh, कैमरास cam, को ब्लो करने के लिए बड़े यूज किए टैंक्स को नॉकआउट आउट करने ah. के लिए एंड पैराग्लाइडिंग करके घुस गए huh? कर लो जो कर रहे ठीक है तो I mean, आई मीन ये जो एक कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी को मतलब ये वो चीजें जो हम बोलते हैं प्रोग्राम्स में एंड गवर्नमेंट बाबूज थिंक यू नो कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट व्हाट नॉनसेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इट ड मैटर व्हाट यू फाइट विद इट मैटर्स हाउ यू फाइट विद वॉट यू हैव और हमारे यहाँ पे भी एक तो बहुत शौक है ना ये ठीक है कि मतलब टेक्नोलॉजी 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 मतलब इंटेलिजेंस में भी जैसे एक होता है कि नहीं यार ये ले आओ वो वायरस ले आओ आई मीन ठीक है आई मीन यू कैन अटेन ओनली पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव सच टेक्नोलॉजी यू कांट अटेन और यू कांट गेट द रिजल्ट इन अ बैटल फील्ड विद इज वेरी स्टूपिड टू अज्यूम ये पूरा अजम्पन है कि हम इवोल्व करते रहते हैं पर एनमी एकदम स्टैटिक रहता है ऐसे तो भाई मैंने कोई दुश्मन को ऐसे नहीं देखा है जो ऐसे बिहेव करता है ठीक है इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दो डिफेंसिस ब्रीच अल्टीमेटली पर हिंदुस्तान में वो देखिए वो उधर ना उनको जो टेक्नोलॉजी चाहिए मिल जाता है हमको इधर वही टेक्नोलॉजी मिलने में बीस तीस साल लगता है तो हम बहुत फेटिशाइज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी को अल्टीमेटली hmm. uh, आप देखेंगे कि हमारी जो 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 डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का रोग है वो इट इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वो वेस्ट डेली वंटी आंटी hmm. कॉन वो इट इज सो ब्यूटिफुल इट इज वाओ क्या सो ब्यूटिफुल उसी की तरह है <laughs>

अभी क्या ड्रोन ये नया करवाया है हमने इसराइल में भी पैटर्न है बट सी इन द पैटर्न रिपीट आफ्टर में हुआ है सो इट्स बिन अ गैप ऑफ फिफ्टी ईयर्स बिफोर द सेम वेल ट्वेंटी सेम पैटर्न रिपीटेड इंडिया में हर साल पैटर्न रिपीट होते रहता है ठीक है बिकॉज वी नेवर लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स अब क्या करोगे आप, आप मेरे को बताओ ना वॉट वी नीड और रशिया ने देखो क्या किया

तो ये करो ना नहीं हमको ड्रोन में भी हमको हमको प्रिडेटर को ही बीट करना आ, आ, मैं बोलता हूँ अगर हमने यही किया होता एंड द रशियंस इंडिजनाइज इट एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इट विद इन बॉट थ्री टू सिक्स मंथ्स यस हम अभी भी एंड दे डिड इट बिकॉज इट इज अ ड्रोन दैट सूट्स देयर इंडस्ट्रियल केपेबिलिटी हमको नहीं हमको सर अगर ये मोदी के डेस्क पे जाएगा ठीक है Imagine. This I mean, in India, you Pakistan. spoke in favor of Iran. Have you started visiting their embassy? No, <laughs> but I I keep going to Iran quite a bit. I have family in Iran. Yes, so I visit I, that that I know. You, you, are, you have been a tourist, but you have not been very supportive. I am a regular tourist to <laughs> Iran. Uh, um, I don't advertise that too much to protect the family out there, but um, uh, I have the photographs. <laughs> बट uh, 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 क्या होता है कि अगर यही प्रपोजल hmm. मोदी के डेस्क पे जाए हमारे बाबू क्या करेंगे सर इस पर ना वी हैव टू वेट इस पर लेजर ये लगाना पड़ेगा फिर इसमें ना एंटी बलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी नहीं है सर क्योंकि जब uh, इंट्रा एटमोसफेरिक और एक्सो एसमोस्फेरिक uh, इंटरसेप्टर फेल होगा वो टर्मिनल स्टेज पे हम uh, इन ड्रोन्स का एक पूरा लेयर बिछाड़ देंगे जो फाइनल इम्पैक्ट को प्रिवेंट करेगा और फिर इसमें जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लगने हैं सर सर ये प्रोपेलर है सर प्रोपेलर कौन डालता है आजकल सर इसमें जेट लगाओ सर सर अमेरिका से और फिर सर अमेरिका हमको टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा सर आपने देखा है दी आई एफ वी कॉन्टेस्ट द इनफेंट्री फाइटिंग वेहीकल कॉन्टेस्ट हाउ मेनी they want अ टैंक which कैन फ्लाई एंड गो लाइक अ motorboat हम्म hmm. सीधे सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री को मुंह पे नहीं बोल सकते हैं hmm. इधर आके हमारे को ओवर ड्रिंक्स दे लाइक भाई तेरा ये क्या एमसीबीसी है सी यू यू इवन हैव अ सिस्टम व्हिच डिसइंसेंटिवाइजेस एन ऑनेस्ट एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस वेयर द फॉरेन वेंडर्स आर इवन स्केयर टू टॉक टू यू एंड दे डोंट वांट टू टेल यू योर अ फूल अब क्या करोगे मैंने आई सॉ डिफेंस सेक्रेटरी

टेक्नोलॉजी योर जॉब इज टू गिड्स ठीक है एंड टू मैं सिंपली आपको ये पूछता हूं अकाउंटेबिलिटी hmm. कहां है वेरी सिंपल वे ऑफ रीनिंग इन योर ब्यूरोक्रेसी विच इज अकाउंटेबिलिटी विच इज यू से हर प्रपोजल के पीछे फेलियर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और अगर फेलियर हुआ उस ब्यूरोक्रेट का दो महीने का सीनियोरिटी कट गया और दो महीने सीनियोरिटी कैन मेक ऑल द डिफरेंस बिटवीन बीइंग डिफेंस सेक्रेटरी एंड रिटायरिंग जॉइंट सेक्रेटरी आप वो करने के लिए तैयार हो देश अगर के नहीं रप... हो अगर नहीं हो मैं कहता हूँ स्टॉप टॉकिंग अबाउट डिफेंस इंडिजन आई सेट की इसके ऊपर ना इस देश में रेफरेंडम होना चाहिए नहीं दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रेफरेंडम नहीं मैं कहता हूँ रेफरेंडम करवा लो एक बार अगर 90 से कम इस इस देश में लोग बात पे एग्री नहीं करते ठीक है तो आई एम विलिंग टू गिव गिव अप दिस नाइन्टी परसेंट लोग यही कहेंगे कि यार हर किसी अकाउंटेबिलिटी है इस देश में ये जो जो आई जो यूपीएससी के जो ये बाबू लोग हैं इनको छोड़ के इस देश में सबकी अकाउंटेबिलिटी है बस उनकी नहीं है बस उनकी नहीं है उनका टाइम पे प्रमोशन फिक्स है

बट उसके अलावा जितने भी, है, yes. yes. Secondly, भी हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जॉइंट है वो कल तक बैठ करके स्वच्छ अभियान का सेक्रेटरी था आज hmm. वो डिफेंस सेक्रेटरी है कल वो फॉरेन सेक्रेटरी भी हो सकता hmm. है परसों वो कोई नो आईएफएस वोंट लेट हिम नहीं आईएफएस वोंट लेट हिम आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस दे डोंट लेट एनी टेक ओवर बट बाकी सबकी खा जाते ही ठीक है आई मीन हाउ कैन अ मैन बी सो मल्टी डायमेंशनल वो मतलब सिस्टम भी ठीक करना आता है, उसको रॉकेट लॉन्चर भी उसको रॉकेट साइंस भी आती है उसको दोनों नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना बट देखो ये सॉरी इसमें एक चीज और गवर्नमेंट ने मोदी गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री शुरू की पर वो लेटरल एंट्री भी वही लोग को लेटरल चूजिंग द लेटरल

मैं, मैं मतलब, I mean, that is possible that you a general ko aap but, World Bank director. Uh, but technically, ho. even in India, in mm. fact, many Indian ambassadors mm. have been um, uh, outside the uh, IS. So, not ambassadors, but uh, mm. I don't think Garcetti is the best example right. to use. I'm just. But I'm just, but I'm just let's take Henry Kissinger. Henry, Kissinger. Henry Kissinger. I'm not a big fan of Henry Kissinger, mm. but apparently many people are. Mm. For a.

वो एक किस्म से एक वर्बल रेज्यूमे बन जाता है कि आपने कितना बकवास बका है अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए पर एक ज़माने में ऐसे नहीं होता था एवरी सिस्टम आल्सो इरोड्स ओवर टाइम नो सिस्टम इज ऐसे मेरे को एक सरकारी सिस्टम बता दो जो बिना मॉडिफिकेशन के चलते रहता है जो आज का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन दिनों का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कितने अमेंडमेंट्स उनको करने पड़े उसमें ठीक है

डीआरडीओ ने प्रेस रिलीज चलाया है ये गंजा मोटा होमो क्या बकरा है डी आर डी ओ ने प्रेस रिलीज कर दिया ब्रेकिंग आर हेड ओवर दिस हाउ डू वी गेट इट अक्रॉस टू द गवर्नमेंट And why should the government listen to um, Sabri Mala Janewala Bhakt <laughs> and Mota Ganja cross dressing homo over somebody who's passed UPSC, who's very serious, sits in a suit and tie in South Block or North Block and talks in jargon? Yes. You tell me, I mean, if you were Narendra Modi, as a responsible prime minister, why would he listen to a podcast? i mean a leader who does not listen to the people then I mean, see you listen I mean, to everybody hmm. but who do you value more somebody who's passed the upsc and has the glam of whatever around him i mean upsc i mean we need to come out of this whole idea ki, you know upsc is something that you have cleared and now you are you know

इंडिया इज नॉट अ बैड न्यूज सोसाइटी हमको बस वही अच्छा न्यूज सुनने को मिलता है जहाँ हर डिफेंस बंदे का पाद नया केमिकल वेपन है और हर डिफेंस बंदे काल वेपन है वॉट यू डू दिस इज दाइंड सेट वी आर अ गुड न्यूज सोसाइटी वी डोंट वॉन्टर बैड न्यूज लाइकोर थैंक यू सो मच ब्रो फॉर कमिंग एंड स्वामी शरणम स्वामी शरणम और आप में से जो लोग भी देखें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा धन्यवाद